गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, भाई का चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? मेरी वीडियोस 50% नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं और 50% सब्सक्राइबर देखते हैं। तो यार सीन पार्ट ये है कि अभी हम जा रहे हैं ज़रा पोजो के दफ्तर, पोजो की आउटलेट पे मंथली जो क्या कराएं जा रहे हैं फेबी जी। यार इसका 5000 किलोमीटर के ऊपर मेंटेनेंस होती है, वो करवाने जा रहे हैं। आपने पिछले व्लॉग में यकीनन देखा होगा, पिछले तो नहीं, लास्ट टाइम जब हमने गाड़ी जब गाड़ी बाय की थी, तो उसके बाद अब जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना जी, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इसकी एग्जैक्ट 5000 नहीं, थोड़ा ऊपर चल गई है गाड़ी, 6000 समथिंग चली हुई है गाड़ी। तो इसकी अब मेंटेनेंस वगैरह करवाने सोचा करवा लें, तो ऑफिस जा रहे हैं पोजो के। वैसे तो यार ये 10x10 है और वेरी सोन ये हम सेल करने लगे हैं। अगर किसी ने बाय करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। बाकी इसकी मोर डिटेल वीडियोस जो है ना वो हम बना के फिर डाल देंगे साथ में, फिलहाल ज़रा इसका छोटा मोटा काम करवा लें। तो यार हम लोगों ने एक और गाड़ी लेनी है, आप लोग बताएं हम कौन सी नई गाड़ी लें, कौन सी वैसे नई मार्केट में चल रही है अभी। यार अब जो हालात चल रहे हैं ना, बंदे को हाइब्रिड के ऊपर मूव करना चाहिए। चिंची ले लेंगे जितने ऐसे बंदे आए हुए हैं, चिंची ले लेने हैं क्या ख्याल है? ये भी ठीक है, क्योंकि 3-4 टंकी लगती है सिविक के महीने की, तो पापे जो चिंची है ना उसकी एक टंकी लगेगी पूरा महीना बैठिया में, जो आप मर्जी खुआ रहो। चाचू क्या हाल है, खैरियत से? ये पोजो मेंटेनेंस यही है ना, मेंटेनेंस यही है पोजो की? ये सामने सर्विस भी करके देते हैं यार, ट्यूनिंग वनी में ओके शोके करते हैं, ऑयल सेल डाल देते हैं। हाँ। सब मुफ्ता काम है, बल्कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फ्री होता है, उसके बाद ही जाके ना कुछ टेंशन होता है, वैसे तो पहले तो फ्री होता है। तो सीन पार्ट ये है कि यार हम लोगों ने अभी अपनी जो गाड़ी थी वो दे दी बिजट के दफ्तर ही। दफ्तर क्या यार, वो सर्विस, जो सर्विस क्या बोलते हैं उसको, एरा सर्विस स्टेशन नहीं था वो, नीचे जो सर्विस की जो उधर दे दिया। भाई मान गया यूट्यूबर इस तरह। नहीं नहीं यार, मुझे नाम कोई बात नहीं यार, नहीं इंसान को कुछ चीज़ें नहीं याद रहती जिंदगी में, और बहुत काम में हम क्या याद रखें। तो उनको दे दी यार, उन्हें बोला ट्यूसडे तक मिल जाएगी वापस गाड़ी, क्योंकि आगे 2 दिन ऑफ आ रहा है, तो 2 दिन बाद वापस लेने आते हैं यार। लेकिन इस व्लॉग को हम साथ करते हैं, उस व्लॉग को बाद में बनाएंगे जब हम वापस लेने आएंगे। ओके यार सीन पार्ट ये है कि भूख लगी हुई है बहुत, साथ अभी आए हैं डोखबे में आज कुछ 6 महीने साल बाद शमा बिरयानी खाने लगे हैं। शमा बिरयानी साल बाद के बाद जिंदगी दूजी बारी खाने लगा वहाँ, मेरी बच्ची ऐसी बात भी नहीं है मुबशिर। नहीं कसम है, मैं इतना झूठ अच्छा भी नहीं लगता, मैं सारी जिंदगी तेरा रिटी 30 रुपए दी बिरयानियां खा तुसी बड़े हो गए, और कसम आगे तो कसम है मैं तो दूजी तो तीजी बार आ जाओ साज चमचे ना मारो, आज बिरयानी चेक कराओ जरा, तो खत्म हो गई है साज, दुआ पीला यार बिरयानी बहुत कमाल दी है, लेकिन एक चमचे मारने ना जाए खबर है टक फिर मार से टक। बाकी अगर बार बड़ा चंगा बनाया है ना, देखो तो बार है फुल दरबारी स्टाइल बनाया है ना, मेरे लिए सिंगल पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पीस कुछ भी डाल दो, नहीं नहीं लेग पीस डालना है यार मेरे लिए। बहुत तो बिरयानियों वालों की है, जितने भी चावल वाले हैं उन बहुत से बेहतर है यार। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं है कि भूख लगी हुई है, तो खबे दी बाबा जी की हास गल, इतने गड्डी नहीं मोड़ती, इतने गड्डी मोड़न मारू चौक तक जाना पैना है, कोई नहीं उस्ताद जी गली में करो। उस्ताद जी कहते हैं कि सारी जिंदगी तुम ढो खबे दी गलियां फिरने रहे हो, तो हूँ तुम कह रहे हो कि ढो खबे दी गलियां फलानियां टपकानियां। तो सीन्स पार्ट ये है कि यार अभी देर पहले फ्लैट आ गए थे, फ्लैट आए हैं तो फिर थोड़ा सा काम शम किया है यार, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने के बाद अभी दिल कर रहा है चाय पीने का, तो अभी आपके भाई ने ये पानी शानी डाल ली है, आग शाग जला ली थी पहले ही, मैंने कहा चलो यार एक हाथ से कैसे जलाएंगे,
तो पहले काम कर लिया था, मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। बाकी जो बॉयज़ हैं यार, एक चला गया गाँव और दूसरा गया है पता नहीं कहाँ पे। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं मतलब जाया जाती हैं। अगर हमें चार पराठे खाने होते हैं तो हम ऑर्डर पाँच करते हैं, कहीं कम ना हो जाए, लेकिन हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, तो फिर एक रोज़ ही बच जाता है। और इतनी मतलब चीज़ें हमारी वेस्ट होती है ना फ्लैट पे, कोई हद नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए।